So, dear students, we have this question. 2012 का AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है. ए स्मॉल वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन ए टब ऑफ वाटर. द वाटर इज ग्रेजुअली हीटेड. द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक विजिबल अबव द वाटर लेवल. एक स्मॉल वुडन ब्लॉक है, ओके, एक टब है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर वाटर है. वाटर लेवल बना देते हैं हम, सपोज दिस इज द वाटर लेवल. और जो वुडन ब्लॉक है, सपोज वो ये ब्लू कलर का है, और ऐसे वो पानी के अंदर तैर रहा है. कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर है, ओके. अब यहां का जो टेम्परेचर है आपका, इस वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू कर दें. तो कह रहे हैं द वाटर इज ग्रेजुअली हीटेड. द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक विजिबल अबव द वाटर लेवल. तो आपको तो वुडन ब्लॉक ऊपर का हिस्सा नजर आएगा ना, ऊपर का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा नजर आएगा. जो पानी के अंदर डूबा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा हमें. तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा ऊपर के हिस्से वाला, इसका क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन्स द सेम रहेगा. मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्चुएट करेगा. फ्लक्चुएट की मीनिंग क्या है, फ्लक्चुएट की मीनिंग है चेंज होगा, घटेगा भी बढ़ेगा भी, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा. तो ऐसा तो होगा नहीं, तो फ्लक्चुएट वाला तो ऑप्शन ही गलत है. डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या रिमेन्स द सेम रहेगा. अब ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. ठीक, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मास एकदम से सडनली तो चेंज हो नहीं जाएगा. तो डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी. जब फ्लूइड की डेंसिटी डिक्रीज करती है तो ये जो पूरा वुडन ब्लॉक है ये कहां जाएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये बेसिकली और ज्यादा नीचे आना शुरू हो जाएगा. समझ भाई, ये क्या होगा, और ज्यादा नीचे होना शुरू हो जाएगा. तो ये वॉल्यूम जो ऊपर नजर आ रहा है ये आपको क्या कहोगा, डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. ये इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ ये डिक्रीज होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसको समझ लिए. इस तरह के सवाल भी आते हैं.